चिंतामणि गणेश मंदिर में चल रही भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन केदारनाथ गली सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में व्यास पंडित गोपाल सुंदर महाराज ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर झांकियों को प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन सर्वप्रथम व्यास पंडित गोपाल सुंदर महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की गणेश वंदना विधि विधान से शुभारंभ कराया। छठे दिन तथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। इस मौके पर भजनों की भी प्रस्तुति हुई। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने शादी में बारात निकालकर वरमाला धूमधाम से संपन्न कराया। इसके बाद व्यास पंडित गोपाल सुंदर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पैर पखार कर पूजा अर्चना की। श्री भागवत कथा समारोह में सैकड़ों भक्तगणों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी कड़ी में चिंतामणि गणेश के महंत पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम स्वर्गीय चल्ला कृष्ण स्वामी की स्मृति में होता है। ये कार्यक्रम पिछले 21 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। यहां से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मुझे अपने वाणी को पवित्र करने का यहाँ पे मौका और सुयोग ऐसा मिला है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की क्या, जब चिंतामणि गणेश जी की कृपा हुई तो हमें कथा कहने का और आप लोगों को सुनाने का ये सो अवसर प्राप्त हुआ। यही कहना चाहते हैं आप लोगों से और बहुत अच्छा। आज कथा का षष्ठम छठा दिन है और आज की कथा में भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र वेणु बजाए हैं। सुगोपांगनाओं ने वेणु गीत गाया, उसकी कथा सभी लोगों ने श्रवण की और यही हमारी कामना है कि आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करते रहें, कराते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। आज चिंतामणि भगवान में कथा श्रवण करने की दृष्टि से मैं आई। गोपाल सुंदर जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये क्या बोलेंगे, गणेश जी ही बुलवा रहे हैं इनको। भगवान चिंतामणि गणेश जी, चिंतामणि और लोक सुखम, संसार का सारा सुख चाहिए तो चिंतामणि देने के लिए तत्पर है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, चिंतामणि लोक सुखम, संसार का संपूर्ण सुख चाहिए तो चिंतामणि की शरण में आओ, सब सुख मिल जाएगा। आज दे रहे हैं भगवान सबको सारा सुख। ये भगवत गीता का कार्यक्रम हर साल जो हमारे स्वर्गीय चल्ला कृष्णनाथ महंत स्वर्गीय चल्ला कृष्णनाथ शास्त्री जी के स्मृति में होता है। प्रथम वर्ष हमारे यहाँ भागवत हुआ था, द्वितीय वर्ष रामचरितमानस, ऐसे करते हुए ये 21वां वर्ष हो गया। जो हमारे ये सनातन धर्म के सत्संगी हैं सब आते हैं, हर साल यहाँ पे होता है। इस वर्ष जो हमारे सुंदर जी शास्त्री जो गोपाल सुंदर जी के द्वारा भागवत हो रहा है, आज छठा दिन है। कल यहाँ से सातवां दिन में कथा होगी, उसके उपरांत शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। वो शोभा यात्रा गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर हनुमान घाट शिवाला वेलुपुरा होते हुए सोनारपुरा होते हुए आती है। ये प्रत्येक वर्ष, क्योंकि गणेश जी के जितने भक्त रोज आने वाले हैं उनके क्षेत्र में भगवान एक दिन के लिए विचरण करते हैं। गणेश जी साल भर में एक बार गणेश जी का उत्सव होता है, इसी बहाने गणेश जी को ले जाके हम लोग स्वागत करते हैं। हर घरों से आरती होती है, हर घर के आगे रंगोली किया जाता है। ये हमारे गणेश जी का प्रथम पूज्य है, इसलिए जो सब प्रथम पूज्य है तो इनका पूजा सब करते हैं। और आज हमारे भागवत कथा चल रही है, हम लोग को पता भी नहीं लगा कि मैंने छठा दिन हो गया। देखते देखते हम लोग का कल सातवां दिन हो रहा है, अभी कथा चली रही है। सुंदर जी का बहुत ही सुंदर कथा ये बोल रहे हैं, वाह होके इतना बढ़िया सुंदर कथा बोल रहे हैं कि लोग बड़ा आनंदित हैं। भागवत के रसपान में आनंदित होकर सब जो है अमृत का पान ले रहे हैं।